ये गवर्नमेंट जो है इससे हम बिल्कुल मतलब इसके ऊपर दो चार बातें कहना चाहेंगे। बताइए, हम अभी खाना तक भी नहीं खाए हैं और स्कूल से आए हैं खेत देखने के लिए आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि हम अगर खाना खाते तो हमारा खेत चल रहा था, गेहूं बोए हुए हैं और ये हमारा खेत है, जिसकी वजह से हम घर में नहीं बैठ पाते हैं। रात को भी अगर स्कूल से आते हैं तो हम देखने आते हैं जी, और हम प्रेजेंट टाइम में आईटीआई कर रहे हैं। जो आईटीआई करके भी हम अपने घर में अभी बैग तो बाहर डाल दिया लेकिन हम घर में पैर नहीं रखा जी, और हम खेत देखने चले आए। यही कारण कि मतलब जो है ये सरकार जो है आए दिन हम देख रहे हैं, इसके पहले जो सरकारें बनी उसमें ये कुछ नहीं होता था, और ये सरकार जब से नरेंद्र मोदी आए देश में, कह रहे थे विकास की बात करते लेकिन विनाश हो रहा है। आए दिन गरीब जूझ रहा है, गरीब के घर में खाने की रोटी नहीं, भुखमरी पे कगार पे देश बैठा हुआ है। अब हम बात करें तो एक टाइम का खाना भी अगर देखा जाए तो हमारे लिए मुश्किल है। आज हम ऑपरेशन थिएटर डिप्लोमा बीए एमए करके और जो है इस प्रेजेंट टाइम में आईटीआई कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर डिप्लोमा करने के बाद हमको लखनऊ में प्राइवेट जॉब करने के लिए गए तो वहाँ हॉस्पिटल में हमको 6,000 रुपये की नौकरी दी जा रही है, और वो भी हम सुबह जब 7 बजे जाते हैं तो शाम 7 बजे आने की बात की जाती है, और वो भी अगर पेशेंट अगर वहाँ पे भीड़ लगी होती है, ऑपरेशन होता तो हमें 11 बजे 11:30 12 बजे छुट्टी देने की बात की जाती है, और उसका पैसा हमें कोई नहीं देने वाला है। गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी अपना शासन चला रही, कहती है देश में देश बहुत विकास की उन्नति पे है। देश विकास नहीं, देश विनाश की उन्नति पे है, क्योंकि विनाश हो रहा है। विकास की बात हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन मैं इस प्रधानमंत्री से